बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का टाइप फर्स्ट, जहां पर मैंने बताया था कि आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। तो अब उससे रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 of chapter admission of partner from the book T.S. Grewal edition है 2024, और ये जो question है वो page number 4.115 पे given है। question कुछ इस तरह से है कि A और B दो partners हैं जो profit share करते हैं in ratio 3:2। इनकी balance sheet आपको दे रखी है as at 31 March 2018, और इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में कैपिटल्स हैं इनकी 1,04,000 और 52,000, क्रेडिटर्स हैं 1,54,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 16,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, कंटिंजेंसी रिजर्व है 10,000, एसेट साइड में कैश है 8,000, डेटर्स हैं 37,600 जिन पे प्रोविजन है 1,600 का, नेट अमाउंट है 36,000, स्टॉक है 60,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000, प्लांट एंड मशीनरी है 76,000, बिल्डिंग है ₹1,40,000 और फर्नीचर है 20,000। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और जो सी है वो ₹64,000 कैपिटल लेकर आया है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है ₹15,000, और आपको इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है जो है 5:3:2। उसके अलावा बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है बाय 5%, तो ये जो स्टॉक है 60,000 इसको 5% डेप्रिशिएट करना है। 5% का मतलब बच्चों कितना, ₹3,000। तो स्टॉक को ₹3,000 डेप्रिशिएट करना है यानी डिक्रीज करना है। और फिर ये कहा गया है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट है वो ₹2,000 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी अभी 1600 है और उसे 2000 होना चाहिए, तो आपको प्रोविजन जो है वो ₹400 इंक्रीज करना होगा। तो ये भी फर्म के लिए बच्चों नुकसान की बात है, स्टॉक का डिक्रीज होना, डेप्रिशिएट होना, वो भी नुकसान की बात है। फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है, ये भी नुकसान की बात है। फर्नीचर 20,000 है, इसे आपको 10% डेप्रिशिएट करना है यानी कि 2,000 डेप्रिशिएट करना है। ठीक है बच्चों, फिर कहा है बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है वो 1,60,000 है, पुरानी वैल्यू है 1,40,000, नई वैल्यू है 1,60,000, तो बिल्डिंग में जरूर आपको फायदा हो रहा है ऑफ ₹20,000। उसके अलावा जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनमें स्टॉक में हमें नुकसान है, प्रोविजन में हमें जो है नुकसान नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है ₹500, फर्नीचर में भी हमें नुकसान है और बिल्डिंग में हमें फायदा है जो हमने भी देखा। ठीक है बच्चों, ये चार पॉइंट्स हैं आपके रिवॉल्यूशन के। फिर लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जिसमें कहा गया है कि ए और बी को अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करनी है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ये लिखा नहीं होता है बच्चों इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन जब ये लिखा होता है ना कि उनको अपनी कैपिटल को नए पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट करना है, तो फिर उनको नए रेशियो में ही एडजस्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जो है रिलेटेड है कैपिटल एडजस्टमेंट का, कैपिटल एडजस्टमेंट से जो हमने डिस्कस करी थी इन अवर लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने जो आपको स्टेप समझाए थे मैं इसमें वो सारे स्टेप करके भी दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, वैसे आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट से। तो स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो स्टॉक हमारा डेबिट साइड में आएगा विद ₹3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा ₹400 डेबिट साइड में ही, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है इसलिए। फर्नीचर आपका डेबिट साइड में आएगा विद ₹2,000, वो 10% डेप्रिशिएट हो रहा है। बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट साइड में आएगी 20,000, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। और आपका जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकल कर आएगा, बिकॉज अकेले बिल्डिंग का फ़ायदा इन सब के नुकसान से ज़्यादा है, वो प्रॉफिट आएगा बच्चों निकल कर ₹14,600। अब इस 14,600 के प्रॉफिट को आप जो है ए और बी में बांट दीजिए
इन द रेशियो 3:2। तो ए के हिस्से का प्रॉफिट आएगा ₹8760 और बी के हिस्से का प्रॉफिट आएगा ₹5840। और इस तरह से हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले आप बच्चों ए और बी दोनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, या सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, नेगेटिव आएगा तो वो गेन होगा। ए का पुराना शेयर है 3/5, बी का पुराना शेयर है 2/5, ए का नया शेयर है 5/10, बी का नया शेयर है 3/10। सॉल्व करेंगे तो दोनों का ही सेक्रीफाइस आ रहा है बच्चों 1/10, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा बच्चों 1:1। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की जो शुरुआत करेंगे आप, वो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से होगी। तो यहाँ लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि इनके बैलेंसेस हैं ए और बी के 1,04,000। ए का है 1,04,000 और बी का है 52,000। ठीक है बच्चों, फिर जो सी कैपिटल लेकर आया था उसको लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट के नाम से 64,000। ये सी के कैपिटल अकाउंट में लिखिएगा। फिर जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था उसको लिख दीजिए ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है। प्रीमियम वो अपने लिए नहीं लेकर आता, वो प्रीमियम लाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो ये प्रीमियम बढ़ जाएगा उन दोनों में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी के 7500 7500। 15,000 को दो लोगों में इक्वली बांट दिया। फिर रिवोल्यूशन का गेन जो आया था बच्चों वो लिख लीजिए, ये आया था बच्चों 8760 5840। फिर बैलेंस शीट के अंदर देखिए बच्चों क्या चीजें हैं जो बांटी जा सकती है पार्टनर्स में। एक बांटा जा सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे आप पूरा बांट दीजिए। और दूसरा बांट सकते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है बच्चों, इसको बांटेंगे आप इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 है, तो 6,000 4,000। और कंटिंजेंसी रिजर्व भी जो है 10,000 है, तो जब आप बांटेंगे तो वो भी आएगा 6,000 4,000 दोनों के अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इन द ओल्ड रेशियो बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। और गलती से भी ईपीएफ को मत बांट दीजिएगा, वो लायबिलिटी है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है। और इनके नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए बच्चों सभी पार्टनर्स के। तो सी का तो 64,000 आना ही आना है बच्चों, ए और बी का कितना आना है वो भी देख लीजिए, 1,04,000 और 12, ये हो गया बच्चों 116 और 8 होता है 124, और 124 और 7 होता है बच्चों 131, ये आएगा बच्चों 132,260। ये आया ए का क्लोजिंग बैलेंस 132,260। एक 4 और 12, एक 16, एक 24, एक 31, एक 32, 260। बी का आ जाएगा 52 और 8 60 60 और 12 72 73 340। ये आ गया बच्चों बी का क्लोजिंग बैलेंस। अब इनके अकाउंट नॉर्मली जैसे हम करते हैं बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का, ध्यान रखें इनके अकाउंट क्लोज कर दीजिए जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। 132,260 73,340 और 64,000। ठीक है बच्चों, अब इनके अकाउंट्स को रीओपन कर लीजिए। यही बताया था बच्चों मैंने आपको पहले स्टेप में कि आपको इनके कैपिटल अकाउंट जो है नॉर्मली जैसे हम पहले बनाया करते हैं बिल्कुल वैसे ही बना के सारे काम करने के बाद क्लोज कर लेते हैं जैसे वैसे कर लेंगे। बस ये काम नया है आपको जो इनको रीओपन करना है 132,260 73,340 और 64,000। अब जो आपको काम करना है बच्चों वर्किंग नोट में करना है, तो मैं तो वर्किंग नोट अपना यहीं बना रहा हूँ बच्चों, आप लोग अपना अलग से बनाइएगा, अलग शीट पे या अलग पेपर पे, ठीक है, अलग पेज पे मतलब। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको वहाँ पर सबसे पहले जो सेकंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, यही आपका फर्स्ट स्टेप था क्लोजिंग बैलेंस निकालना, अकाउंट क्लोज करके रीओपन करना। फिर मैंने कहा था बच्चों सेकंड स्टेप जो है आपको वर्किंग नोट में परफॉर्म करना है,
तो वर्किंग नोट में बच्चों आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है, जिसके लिए आपको जो सी की कैपिटल है 64,000 उसको सी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। सी के शेयर को आप 2/10 कहिए या 1/5 एक ही बात है, तो सी के शेयर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, ये आ गया 3,20,000। नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से डिवाइड करो या नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है बच्चों। ये आपका स्टेप टू हो गया, टोटल कैपिटल तो न्यू फर्म आ गई। और फिर मैंने कहा था इस टोटल कैपिटल को पुराने पार्ट या सभी पार्टनर्स के नए रेशियो में बांट दीजिए। और फिलहाल तो आपको नया रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होता तो आप निकालते 5/10, 3/10 और 2/10 इंटू 3,20,000। तो जब सबको 3,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा बच्चों 1,60,000, 96,000 और 64,000। तो ये आ गई बच्चों इन सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल्स, और हमारा स्टेप थ्री भी कंप्लीट हो गया। तो स्टेप टू और थ्री आपको जो है वर्किंग नोट में करने थे बच्चों। अब मैं तो अपना वर्किंग नोट ये रब कर रहा हूँ, आप इसको जब देखना हो तो आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। तो बच्चों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट का लोअर सेगमेंट है, जहाँ पे आपने से रीओपन किया है, वहाँ पर आप इनको जो आपने नई कैपिटल निकाली है स्टेप फोर में, उसको टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ए में लिखिए 1,60,000, बी में लिखिए 96,000 और सी में लिखिए 64,000। तो 1,60,000, 96,000 एंड 64,000। ठीक है बच्चों, स्टेप फाइव में मैंने कहा था कि आपको कंपैरिजन करना है इस कैपिटल में जो इनकी पुरानी कैपिटल है और इनकी नई कैपिटल में। पुरानी कैपिटल जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आई है और नई कैपिटल जो आपने अभी निकाली है अपने स्टेप थ्री से, है ना बच्चों, इन्हें कंपेयर करना है आपको। तो 160 और ये 132,260 है, तो साफ नज़र आ रहा है बच्चों कि ये साइड कम है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि जो भी एडजस्टमेंट है वो कैश से करना है। 160 में से 32 गया 28, 28 में से 260 गया तो 27,740 आता है बच्चों। और टोटल 160 दोनों तरफ लिख दीजिएगा। ये तो हो गया ए का कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है बच्चों, कैश लाने के बाद लाना क्यों पड़ा, नई कैपिटल ज़्यादा है पुरानी कम है। बी को चेक करें तो इसकी भी जो है पुरानी कैपिटल कम है और नई कैपिटल ज़्यादा है। 96 में 73 गया तो 23 में से 340 गया तो 22,640 आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, 22,660 बच्चों, 40 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। क्लियर बच्चों, और ये टोटल 96,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। और बच्चों ये ऑब्वियस बात होती है कि नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के सबकी नई कैपिटल निकाली गई थी, तो नए पार्टनर की तो दोनों तरफ जो कैपिटल वो सेम आनी ही आनी है, उसकी कैपिटल तो ऑलरेडी नए रेशियो के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है बच्चों, तो 96,000 और 64,000 यहाँ लिख दीजिए टोटल में, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों कुछ भी हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, पर इससे क्या होता है कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी है, बट मैं आपको क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश काफ़ी सारा आया है तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कैश कितना आया। तो बच्चों कैश अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पे कैश का पुराना बैलेंस लिख दीजिएगा जो कि है 8,000। फिर जो सी कैपिटल लेकर आया था वो लिख दीजिए 64,000। सी जितना प्रीमियम पर गुडविल आया था वो लिख दीजिए। ये तो दो चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आया ही करती हैं, सॉरी कैश अकाउंट के अंदर आया ही करती हैं, है ना बच्चों। तो कैश अकाउंट के अंदर आपको ये सब लिखना है, कैश का पुराना बैलेंस, सी की कैपिटल और प्रीमियम पर गुडविल। आप नोटिस करें तो ए और बी दोनों ही कैश लेकर आए हैं, तो ए इज़ कैपिटल और बी इज़ कैपिटल भी लिखना मत भूलिएगा। ए इज़ कैपिटल लिखिए 27,740 और 22,660 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। 64 और 8 72 और 15 होता है बच्चों 87 और 27 होता है, 87 और 7 हो गया बच्चों 94 114 114 और 22 होता है 136
137,300, 137,400, 137,400 आ जाएगा टोटल बैलेंस ऑफ कैश। आपको यही बैलेंस जो है बैलेंस शीट में शो करना है एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बच्चों जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे तो कैपिटल्स आपको नई वाली लिखनी है ए बी और सी की, जो कि ए की है 1,60,000, बी की है 96,000, सी की है 64,000। उसके अलावा आपको क्राइटर्स में कोई चेंज नहीं करना है, उसमें आपने कोई चेंज किया ही नहीं था, एज इट इज लिख दीजिएगा। ई पी एफ एज इट इज लिख दीजिएगा 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व दोनों बढ़ गए हैं, वो आएंगे नहीं। कैश को आप वही लिखिए जो भी आपको बताया 137,400। डेटर्स को तो आप 37,600 ही लिखिएगा, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो नया वाला आएगा जो कि 2000 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 35,600। स्टॉक में आपने कुछ बढ़ाया था बच्चों, हाँ कम बढ़ाया तो नहीं था, कम किया था 3000, तो स्टॉक को 57,000 लिखिएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज लिख दीजिएगा 6000। प्लांट एंड मशीनरी को भी एज इट इज लिख दीजिएगा बच्चों 76,000। और बिल्डिंग को 20,000 बढ़ा के लिखिएगा, यानी 1,60,000। और फर्नीचर को 2000 कम करके लिखिएगा। और कोई नई एसेट आई नहीं है बच्चों, तो आपका जो है बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। ये तो है बच्चों 320 और ये है बच्चों 170, तो ये टोटल आ जाएगा 4,90,000। ठीक है बच्चों, कितना टोटल आएगा 4,90,000। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। आइए देखते हैं टोटल ऑफ एसेट साइड। 137 और 35 होता है 172, ये 173 हो गया, 180, 230, 236, 242 और 242 और 70 होता है बच्चों 312, 314। ठीक है बच्चों, और ये है, देखते हैं बच्चों कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, अभी देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बच्चों टोटल में गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने फर्नीचर को 2000 कम करने की जगह 2000 ही लिख दिया था, तो अब ये सही आ गया बच्चों, ये कभी कभी गलती हो जाती है। तो फर्नीचर को 2000 कम किया है, लेकिन बचा तो 18,000 था ना, दैट्स वाई इट वाज माय मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हो गया बच्चों। 20,000 था, 2000 कम किया तो 18,000 लिखना चाहिए था, मैंने गलती से 2000 को ही लिख दिया था यहाँ पर। अब ये टोटल मैच हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे देखिए बच्चों उसी अकॉर्डिंग मैंने जो है कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है, तो आपको जो स्टेप्स मैंने तब समझाए थे इस क्वेश्चन को देख के आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे बच्चों।